चलिए भाई सब लोग को गुड मॉर्निंग आवाज़ क्लियर जा रही है तो यस लिख देंगे आवाज़ क्लियर जा रही है तो यस लिख दीजिए अभी आज पटना में बारिश जोर से हो रही है फिजिक्स का टॉपिक देखना हम लोग को फिजिक्स टॉपिक देखना आवाज़ क्लियर जा रही है यस लिखेंगे आप लोग वेरी गुड चलिए यस आवाज़ क्लियर जा रही है सब लोग को गुड मॉर्निंग सारे लोगों को गुड मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ है अभी बारिश हो रही है पटना में बाबू देखिए फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे थे वर्क एनर्जी और पावर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड पावर हम इसमें आपको एक चीज पढ़ा दिए थे वर्क डन पढ़ा दिए थे वर्क डन जो होता है कार्य एक अधिस राशि होती है ये हम आपको पहले पढ़ा दिए थे वर्क डन w का दो फार्मूला बताए थे fs cos थीटा अगर जमीन पर काम हो रहा है और अगर ऊंचाई पर काम हो रहा है तो w बराबर क्या था mgh अगर ऊंचाई पर काम कर रहा है जैसे सीढ़ी कोई सीढ़ी चढ़ रहा है या फिर कोई व्यक्ति तालाब से पानी खींच रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है mgh हो जाता है तो उस कंडीशन में mgh होता है कार्य थीटा पे डिपेंड करता है अगर 90 डिग्री रहेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा कार्य विस्थापन पे भी डिपेंड करता है अगर विस्थापन नहीं होगा तो भी जीरो हो जाएगा वित्तीय पथ पर लौट के सेम वही आ जाएगा तो भी विस्थापन शून्य होता है जिस कारण पूरा कार्य शून्य हो जाएगा ऊंचाई पर फेंके वापस आ गया तो विस्थापन शून्य होगा यानी विस्थापन पे डिपेंड कर रहा था कार्य हम कार्य पढ़ा दिए थे आज पढ़ाना है आपको एनर्जी एनर्जी को हम कहते हैं ऊर्जा एनर्जी को क्या कहते हैं एनर्जी एनर्जी क्या होती है भाई ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा याद रखिएगा कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी ये काम कैसे होगा आखिर काम कैसे होगा इस चीज को लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगा समझ में आ गया सर बंगाली भाषा में भी बताएंगे सर्कुलर मोशन नहीं बताएं सर बताएंगे बाबू अभी तो बहुत चीजें नहीं पता है ना आप लोग को धीरे-धीरे करके बताएंगे सबका अलग अलग जैसे मान के चलिए आप किसी बुक में आप पढ़े होंगे तो उसमें चैप्टर अलग सीक्वेंस में होगा अलग सीक्वेंस में होगा अब इसको आप लोग एक एक करके समझिए अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे वर्क नहीं कर पाएंगे तो इन वर्क को करने के लिए किसकी जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है वर्क करने के लिए जरूरत होती है तो एनर्जी की एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी

और आइंस्टीन ने ही कहा था कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जाती है जैसे जमीन के पास अपनी ऊर्जा है उर्वरक क्षमता है रासायनिक ऊर्जा है आप उसमें बीज डालिएगा तो वह ऊर्जा पेड़ में चली जाएगी गेहूँ चावल में और उसके अंदर वो चली जाएगी उसको आप खाएंगे तो वह वो गेहूँ चावल से ऊर्जा आप में आ जाएगी आप में आ जाएगी अब आप ऊर्जा को क्या करेंगे किसी को मार दीजिएगा पढ़ा दीजिएगा या कर अलग अलग टाइप में आगे जाते जाते ये ट्रांसफार्म होते रहता है एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है किसी को कोई दिक्कत नहीं है E बराबर एम स्क्वायर किसका सिद्धांत था आइंस्टीन का सिद्धांत था इसमें उन्होंने ऊर्जा के परिवर्तन स्वरूप चीजों को दिया था इसमें आपको कई टाइप के ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है कई टाइप के ऊर्जा के बारे में पढ़ना है लेकिन कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देते हैं जैसे हम आपसे कहेंगे विद्युत का बल्ब बल्ब हो गया या ट्यूबलाइट हो गया ट्यूबलाइट हो गया बल्ब या ट्यूबलाइट ये एक तरह का मशीन है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा ट्यूबलाइट या बल्ब को क्या चाहिए इलेक्ट्रिक चाहिए यानी विद्युत चाहिए इसे जब आप विद्युत ऊर्जा में देते हैं तो वो ये किस में बदल देता है प्रकाश में बदल देता है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है प्रकाश में बदल देता है और भी कुछ चाहिए आपके पास और हीटर देखेंगे अगर आप हीटर लगाए हैं मशीन या हीटर या नाइक्रोम की तार लगाए हीटर में क्या होता है नाइक्रोम की तार होती है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया आपको हीटर को भी क्या चाहिए बाबू विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को हीटर किस में बदल डालेगा यह उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा हीट में बदल जाएगा उसमीय ऊर्जा में बदल देता है विद्युत से कई चीजें चलती हैं जैसे मोटर चलता है विद्युत से क्या चलता है मोटर मोटर जो घरों में चाल। चालू किया जाता है मोटर चलता है मोटर को चालू करने के लिए आपको क्या चाहिए करंट चाहिए विद्युत चाहिए और जैसे आप विद्युत चालू करते हैं ये उसे मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल के यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है हिलने डुलने की चीज तो पानी को हिला डुला के कहा पहुंचा देता है कि चौथे तल्ला पांचवे तल्ला में जहां भी पानी टंकी के रखे हैं ये कई सारी कामों को कर सकता है और भी अगर आप देखेंगे इसमें लाउड स्पीकर अगर आप लाउड स्पीकर को देखिएगा स्पीकर कहिए या लाउड स्पीकर कहिए जो तेज आवाज में बोलता है माई जिसे हम लोग कहते हैं स्पीकर या लाउड स्पीकर या एयरफोन कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं एयरफोन कहते हैं एयरफोन जो होता है ये क्या करता है इसको चाहिए विद्युत इसको क्या चाहिए विद्युत चाहिए और बदले में ये क्या दे देता है ध्वनि देता है बदले में ध्वनि देता है तो आइंस्टीन साहब ने कहा था कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है धीरे 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 आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या बदलता है इन सब को कॉमन क्या चाहिए विद्युत चाहिए और बदले में ये क्या दे रहे हैं कुछ ना कुछ चीज ट्यूबलाइट बल्ब को विद्युत देंगे बदले में प्रकाश देगा हीटर को विद्युत देंगे बदले में ऊर्जा देगा मोटर को विद्युत देंगे बदले में यांत्रिक ऊर्जा से पानी को ऊपर चढ़ा देगा माइक या एयरफोन को विद्युत देंगे तो ध्वनि में चढ़ा सकता है बहुत सारी चीजें होती हैं आपको एक जगह से दूसरे जगह में आगे बढ़े साउंड एनर्जी में हाँ आप बस आंसर दिया कीजिए बाबू आप लोग आप लोग आंसर के जगह पे कुछ कुछ देने लगते हैं लोग आंसर की जगह और भी कुछ एग्जाम्पल दें जैसे टीवी टीवी क्या चीज है टीवी भी एक तरह का विद्युत दीजिएगा तो वो क्या देगा प्रकाश देगा तो ट्यूबलाइट के जगह आप यहाँ पे टीवी भी जोड़ सकते हैं क्या जोड़ सकते हैं टीवी टेलीविजन टेलीविजन को भी क्या चाहिए भैया विद्युत चाहिए टेलीविजन को भी क्या चाहिए विद्युत चाहिए और बदले में वो क्या दे देता है प्रकाश अब उसके अंदर रंग बिरंगा प्रकाश हो जाता है और क्या चीज के दे सकते हैं हम अगर आपसे कहते हैं माइक अगर हम माइक कहते हैं माइक इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफोन माइक्रोफोन माइक या माइक्रोफोन माइक बड़ा होता है देखिए ये माइक बड़ा होता है मोबाइल में भी एक माइक लगा होता है जो छोटा होता है उसे माइक्रोफोन कहते हैं तो माइक को कौन सी ऊर्जा चाहिए देखिए माइक जो होता है माइक ये हमारी ध्वनि ऊर्जा को ले रहा है देखिए हम इसमें बोल रहे हैं ना तो ये क्या ले रहा है ध्वनि ऊर्जा में ले रहा है नहीं समझ में आया आप लोग को माइक क्या लेता है ध्वनि ऊर्जा में लेता है माइक लेता है ध्वनि ऊर्जा को और बदल देता है किसमें ध्वनि ऊर्जा को आप लोग चैट कर रहे होते हैं ना उल्टा सी मतलब क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछा कीजिए अरे बल्ब से ही टॉर्च बना लेना नहीं यार कितना चीज बताएंगे हम एक ही से रिलेटेड ये क्या लेता क्या है ध्वनि लेता है क्या लेता है ध्वनि लेता है और वापस इसे किस में बदल देता है विद्युत ऊर्जा में ध्वनि लेता है और वापस किस बदल देता है विद्युत ऊर्जा में ध्वनि लेता है वापस इसमें किस में बदलता है विद्युत ऊर्जा में और अगर माइक लगा दिए हैं और स्पीकर नहीं लगाए हैं तो ये केवल विद्युत ऊर्जा में रहेगा अगर चाहते हैं कि इस विद्युत ऊर्जा को वापस किस में बदला जाए ध्वनि में बदला जाए ताकि सुनाई दे कि माइक क्या है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बीच में एक स्पीकर लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा स्पीकर लगाना पड़ेगा तब वापस उसको वो ध्वनि में ले आ पाएगा केवल माइक लगा दीजिएगा हेलो हेलो चिल्लाते रहिएगा और स्पीकर नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत जैसे स्पीकर कर रहे है। सर स्पीकर के जगह डीजे लगा देंगे एक नंबर नाचो डीजे लगा के यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है दोनों में से कई रास्ते हैं आप इसे काउंट कर सकते हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो अपने से आपका दिमाग बिल्ट होते जाएगा कि क्या हो रहा है जैसे हम अगर आपसे कह देते हैं कि मोमबत्ती में क्या चीज में मोमबत्ती मोमबत्ती जो होती है उसमें क्या होता है मोमबत्ती में तो मोमबत्ती मोम की बनी होती है और मोम एक प्रकार का रसायन होता है एक केमिकल होता है मोमबत्ती एक मोम की बनी होती है मोम एक रसायन होता है जलने के बाद ये हमें क्या देता है प्रकाश देता है जलने के बाद क्या देता है प्रकाश कुछ मात्रा में हीट भी देता है लेकिन मोमबत्ती गर्मी के लिए नहीं बल्कि प्रकाश के लिए ही चालू किया जाता है, तो है, है। तो आप समझिएगा आपको समझ में आएगा एक एक करके धीरे आपको अचानक करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको अगर आप देखेंगे इंजन इंजन देखिएगा गाड़ियों का मोटर में जो इंजन लगाया जाता है मोटर इंजन मोटर इंजन मोटर इंजन मोटर इंजन में देखिएगा तो आप अलग अलग टाइप का इंजन देख सकते हैं तो कभी इंजन भाप से चलता था कोयले से भी चलता है सी गैस से भी चलता है पेट्रोल से भी चलता है डीजल से भी चलता है यानी ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो उसमें इंजन के अंदर हीट चाहिए इंजन को क्या चाहिए हीट चाहिए इंजन को क्या चाहिए हीट अब अगर आप इंजन को सी से हीट दीजिए या फिर आपका मन इंजन को आप चाहते हैं कि सी से हीट ना दे के हम डीजल से दे पेट्रोल से दे आप जिससे भी हीट देना चाहें लेकिन उसको क्या चाहिए उष्मा चाहिए इंजन को क्या चाहिए उष्मा चाहिए हीट चाहिए और जब वो हीट हो जाता है तो गर्म चीज बाहर जाने के लिए सोचती है और वहीं पर पिस्टन लगा दिया जाता है उसे नचा के वह वापस जाती है तो ऊर्जा उसमें दीजिएगा तो ये आपकी गाड़ी को आगे पीछे घसका देगा हम आपको बताए हैं आगे पीछे घसकाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं उसे क्या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं क्या कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं हीट एनर्जी को करता है अब हीट आप कहीं से भी ला सकते हैं गाड़ियाँ डीजल भी होती हैं जो गाड़ियाँ डीजल होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं लेकिन वाइब्रेशन और आवाज़ उसमें ज़्यादा होता है इसलिए ट्रक वगैरह में ज़्यादातर देखेंगे वो होता है लेकिन जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं उनमें ज़्यादा पावर नहीं होता है लेकिन काफ़ी स्मूथ चलती हैं हल्ला कम करती हैं हम आ गया कि नहीं आ गया ये अलग अलग चीज़ के डायरेक्शंस हो सकते हैं आपसे और सवाल पूछा जाए तो बता ही सकते हैं आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बताते हैं हम नहीं समझे अब हम आपको यांत्रिक ऊर्जा बता देते हैं यांत्रिक ऊर्जा बता देते हैं ये है आपको ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन एक तो आ जाता है लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग विकसित होने लगता है और आप अपने से सोच सकते हैं कि किस ऊर्जा में क्या चीज बदलता है समझा क्या कीजिए किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में नहीं समझ में आप लोगों को क्या बात कर रहे थैंक यू समझ गए स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा देखो आपको आप एग्जाम में फेल क्यों होते हैं आपको समझ में क्यों नहीं आता आप समझने की कोशिश उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ जैसे स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो दो तरह से पूछ सकता है या तो इस पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल पूछ सकता है या तो इस पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल पूछ सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी को या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या तो आपको क्या पूछेगा ये एग्जाम्पल तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल कितना, कितना आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है हम उसे सॉल्व करने के लिए दस ले लेते हैं अब और दूसरी होती है वो चीज कितनी हाइट पे है अब आप इसमें एक चीज को समझने की कोशिश कोई चीज का मास जल्दी चेंज नहीं होता है जैसे हमारा मास 80 के जी है हम 80 के ही रहेंगे हम ऐसा नहीं है सो के उठेंगे तो कल साठ हो जाएंगे चेंज होगा अगर मेरा मास तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मास चेंज नहीं होता है जी का वैल्यू 9.8 होता है हम खुदे इसको दस मान लेते हैं तो बताइए पूरे इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में कौन सा चीज है जो चेंज हो रहा है जो फटाफट चेंज हो सकता है फटाफट चेंज हो सकता है इसमें हाइट चेंज हो सकता है जैसे इस कलम की हाइट इतनी है अगर यहाँ लेके चले जाए हाइट बढ़ जाएगा हाइट बड़ा जल्दी वेरी कर सकता है हम एक तल्ला पे खड़े रहेंगे हाइट कुछ और है दो तो तल्ला पे चले जाएंगे हाइट कुछ और हो जाएगी यानी देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है नाम से ही स्पष्ट है इसके अपने एक खास स्थिति के कारण इसके अंदर एक क्षमता आ जाती है काम करने की जैसे पंखा जो छत के ऊपर टंगा रहता है सीलिंग फैन उसके पास भी हाइट होती है दुनिया का कोई भी चीज अगर वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर है तो उसके पास हाइट है और हाइट होने के कारण वह क्या करता है बाबू के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और वह स्थितिज ऊर्जा के कारण कोई ना कोई काम कर देगा अब वो अच्छा काम करे या खराब काम करे ये आपका काम है देखना फिजिक्स का नहीं है जैसे पंखा छत के ऊपर कसा हुआ है उसके पास हाइट है अगर उसका नट खुला तो नीचे गिरते किसी न किसी का खोपड़ी फोड़ेगा ये भी एक काम है फिजिक्स के हिसाब से तो खोपड़ी तोड़ना भी क्या एक काम है अब आप उस काम को अच्छा समझे या खराब समझे ये अब आपका काम है फिजिक्स का नहीं तो किसी चीज़ में अगर ऊंचाई आएगी तो कोई ना कोई काम कर देगा और वो अच्छा भी कर सकता है खराब भी कर सकता है विपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था उन्हें जो चोट लगी थी विपिन रावत साहब को या जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था क्यों किया था क्योंकि उसके पास हाइट ज़्यादा थी हेलीकॉप्टर की हाइट ज़्यादा थी तो जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतने ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और वह काम कर देगा अच्छा काम करे या खराब काम करे उससे मतलब नहीं है अगर सोचिए अगर बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर की हाइट कम रहती बहुत कम ऊंचाई से गिरता तो क्या उन्हें कुछ होता नहीं होता एक बार उनका हेलीकॉप्टर एक बार और क्रैश किया था वो किस कारण लेकिन उसमें बच गए क्यों बच गए थे क्योंकि वो हेलीकॉप्टर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था किसी भी चीज़ में अगर बहुत है तो उसके पास स्थिति ऊर्जा है आप बताइए बाबू क्या हवा में उड़ रहे जहाज और हेलीकॉप्टर के पास स्थिति ऊर्जा होती है या नहीं होती है होती है होती है कि नहीं होती है नहीं होती है क्या बात कर रहे बाबू नहीं होते है। होती है हाँ हाँ सर सन साउंड प्रॉब्लम आ रहा है साउंड प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में आ रहा आना चाहिए बस वेरी गुड एक बात बताइए एक लड़का दो तल्ला पर है देखिए ध्यान से ये एक बिल्डिंग है ठीक है और यहां एक तल्ला है ये दो तल्ला है ठीक है नीचे में छोटिया खड़ी है नीचे में कौन खड़ी है छोटिया खड़ी है बताओ ये पहल ए है ये लड़का का नाम ए है यहां एक लड़का खड़ा है बी दोनों इस छोटिया से दोनों का ब्रेकअप हो गया छोटिया से ए भी इसके ऊपर पत्थर फेंका भी इसके ऊपर पत्थर फेंका बताओ छोटिया को किस पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा को किस पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा छोटिया को किस पत्थर से ज्यादा चोट, चोट लगेगा आप इसका आंसर दीजिएगा बी वाले से ज्यादा चोट तो बी वाले से ज्यादा चोट लगेगा इसका मतलब बी ने जो पत्थर फेंका है उसके पास एनर्जी ज्यादा है और ऊंचाई के कारण कौन सी एनर्जी होती है तो स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है एच ज़्यादा होती है तो हाइट जितना ज़्यादा रहेगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी यही कारण है कि घर के ऊपर पानी की जो टंकी दी जाती है उस पानी टंकी में सबसे ऊंचाई पर पानी की टंकी को रखा जाता है घर में पानी की टंकी को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि वो बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर पानी की टंकी रहे और उसकी हाइट जो हो वो काफ़ी ज़्यादा हो हाइट ज़्यादा होने के वजह से वह पानी की टंकी क्या करेगा वो पानी की टंकी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा तो बताओ बाबू पानी की टंकी में कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी की टंकी में पोटेंशियल एनर्जी होती है नहीं अगर कोई नदी बह रहा है और उसमें आप बांध बना दीजिएगा तो पानी बहुत ऊंचाई तक जमा हो जाएगा और वो दबाव लगाएगा तो पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है ये सब चीजें तो समझ में आ गई आपको अगर आप हाइट पर बैठे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या कुर्सी पर बैठे इंसान में पोटेंशियल एनर्जी होता है कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति में क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति में पोटेंशियल एनर्जी होगा ये सर होता है कुछ लोगों का कहना नहीं होता होता है अगर कुर्सी का पाया टूट गया मान के चलिए यहाँ पर कोई कुर्सी है ठीक है इस कुर्सी पे किसी को बैठाइए ये एक कुर्सी है ठीक है अब इस कुर्सी पर आपको क्या करना है बैठाना है ठीक है इस कुर्सी पर आपको क्या करना है बाबू बैठाना है किसी को इस कुर्सी पर आप बैठाइए किसी के चलिए छोटिया बैठ गई यहां छोटिया बैठ गई अब कोई आया इस कुर्सी को पैरवा तोड़ दिया कुर्सी का ये पैरवा तोड़ दिया छोटिया गिरेगी कि नहीं गिरेगी वजह छोटिया गिरेगी और गिरने के बाद इसको चोट भी लगेगा हड्डी गुड्डी इसका टूट भी सकता है तो चोट लगने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए इसके पास कौन सी ऊर्जा तो ये कुछ ना जितनी इसकी हाइट थी मान के चलिए इसकी हाइट एक मीटर ही होगी तो हाइट थी ना भाई तो हाइट जैसे आया हाइट के आने से कौन सी एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इसके पास भी ऊर्जा मोटरसाइकिल पर आप बैठे हैं तो क्या उसके पास कुछ ऊर्जा है बिल्कुल है मोटरसाइकिल अगर उल्टेगा तो आप कुछ ना कुछ हाइट से गिरते हैं उसी हाइट के कारण आपके पास क्या आ जाती है ऊर्जा आती है तो हाइट पे बस में बैठे इंसान में क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है बताओ तो जरा बस में बैठे किसी व्यक्ति के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है बस में बैठे किसी व्यक्ति के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बिल्कुल होती है क्योंकि बस तो जमीन से सटती नहीं है बस का चक्का सटा होता है चक्का से ऊपर बस का चेचिस होता है बॉडी और उसके ऊपर कसी होती है कुर्सी अगर बस टूट गया बीच से तो धड़क से आप नीचे गिरेंगे होता है ये किस चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती जो तो जमीन पर बैठा है जैसे अभी हम जमीन पर हैं अभी हम कहाँ हैं जमीन पे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है लेकिन अभी देखो अभी हम चढ़ जाते हैं इस पे कुर्सी पे चढ़ जाते हैं बताओ अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा यहां से अगर हम कूद गए थे तो किसी का भी कूच देंगे क्या हो गया कूच देंगे किसी किसी को भी नीचे मान के चलिए चूहा होगा या कोई बिल्ली उल्ली हुई चढ़ के कूच देंगे उसकी तो हमारे ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है समझ में आ गया कि नहीं आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है अब सब लोग को समझ में आ गया वेरी गुड सब लोगों को समझ में आ गया इतने हाइट पर एक बात बताइए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से 100 मीटर ऊंचे एक एक मीनार से किरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थिति ऊर्जा होगी 100 मीटर के एक मीनार से इसे मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास किसी पत्थर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बता सकते हैं 100 तो मीटर ऊंचे किसी पत्थर कितनी पोटेंशियल एनर्जी यदि वह पत्थर यदि वह पत्थर चालीस केजी का हो तो बताइए आंसर दीजिए ंसर दीजिए कितने के जी का आंसर कितना होगा एक हजार कहाँ से लाया जाए हाँ ठीक है एक हजार एम था वो तो बताइए इसका मास कितना है चालीस के जी है पी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है हम दस मान लेते हैं नाइन पॉइंट एट होती है लेकिन सॉल्व करने के लिए हम दस मान लेते हैं कितनी हाइट से फेंका है सौ मीटर की हाइट से फेंका है अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय पी बराबर एम जी और एच होता है मास इसका था कितना के जी पास था चालीस के जी और ग्रेविटी ड्यू एक्सेन ड्यू टू ग्रेविटी दस मान लेते हैं और हाइट कितनी सौ मीटर तो बताइए एक दो तीन चार ठो जीरो है और अकेले चार है चालीस हजार ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी तो किस में आता है जूल में आता है चालीस हजार जूल ऊर्जा किस में आता है जूल में आता है ऊर्जा को किस में नापते हैं जूल में नापते हैं तो ऊर्जा को नापते हम ऊर्जा को नापते हैं हम जूल चालीस हजार जूल आ गया आपका आंसर इतना हो गया आप यहाँ पर समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बांध में यदि पानी को रोक के रखेंगे तो उसके पास स्थिति हाइट पर उड़ रहे पक्षी हेलीकॉप्टर या जहाज में स्थितिज ऊर्जा रहती है बिल्डिंग के ऊपर रखे पानी टंकी में स्थितिज ऊर्जा रहती है अच्छा एक बात बताइए ऐसे धनुष को खींच दिए हैं धनुष को खींचे हैं अंदर भी कौन सी ऊर्जा आ जाती स्थितिज ऊर्जा क्योंकि उसकी एक खास स्थिति बन गई एक खास पोर... एक खास क्या बन गया आपका उसका एक पोजीशन बन गया उस पोजीशन के कारण इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी खींचे हुए धनुष में या तने हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बता सकते हैं स्प्रिंग और धनुष में कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा धनुष और स्प्रिंग दोनों एक के सिद्धांत पर काम करता है धनुष भी इलास्टिक पे काम करता है स्प्रिंग भी इलास्टिक पे काम करता है इलास्टिसिटी पर काम करता है आगे बढ़ जा वेरी गुड किसी को कोई दिक्कत नहीं धनुष अगर खींचा हुआ धनुष है तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होगी स्थिति ऊर्जा होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्थिति ऊर्जा के कई सारे एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको स्थिति ऊर्जा के दे सकते हैं दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? स्थिति ऊर्जा के कई एग्जाम्पल दीजिए पहला पानी की टंकी पानी की टंकी इसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है बांध में बांध में स्प्रिंग इस... में स्प्रिंग में कौन सी होती है स्थिति ऊर्जा स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा और क्या हो सकता है धनुष में धनुष में स्थिति ऊर्जा हो सकती है देखिए स्प्रिंग ही लगा होती है घड़ी में घड़ी जो होती है ना पहले जो घड़ी जो होती थी, थी घड़ी घड़ी समझते हैं पहले जो वो वाली घड़ी थी चाबी वाली घड़ी तो चाबी वाली घड़ी में जब आप ऐठते थे, थे ना तो स्प्रिंग टाइट हो जाता था उसके तो बाद वो उसको ढकेलते रहता था घड़ी चाबी वाली घड़ी में उड़ते उड़ते पक्षी में उड़ते पक्षी में उड़ते पक्षी में अब पक्षी से आपको समझ जाएगा हेलीकॉप्टर भी हो जाएगा हवाई जहाज भी हो जाएगा ये सारी चीजें हो जाती हैं स्थितिज ऊर्जा के कारण स्थिति के कारण आगे बढ़ जाए आ? बहुत सारा चीज एग्जाम्पल हाँ फैन वगैरह हवा में जो भी चीज ऊंचाई पर है ऊंचाई पर है जो भी चीज वो हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा दूसरा होता है गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दूसरा होता है गतिज ऊर्जा इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसे तो क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है भैया तो यहां देखिए ऊर्जा आती है ऊंचाई के कारण किसके कारण ऊंचाई के कारण तो गतिज ऊर्जा आती है गति के कारण गतिज ऊर्जा आती है गति के कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर हाफ एम भी स्क्वायर हाफ एम भी स्क्वायर हाफ एम तो बताओ बाबू स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर हाफ एम भी स्क्वायर क्या हो गया भैया समझे हाफ एम भी स्क्वायर ये बताइए भैया हाफ का मतलब तो हाफ होता है आधा होता है इसमें क्या चेंजिंग करना अमेरिका में भी जाकर कहेंगे आधा तो किसी चीज़ को आधा कर देगा मास क्या चेंज होता है नहीं होता है मास चेंज नहीं होता है तो गतिज ऊर्जा किस चीज पर डिपेंड करती है गति पर डिपेंड करती है गतिज ऊर्जा किस चीज़ पर डिपेंड करेगी वॉल्यूम पर डिपेंड कर सॉरी वॉल्यूम करें वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, है. कर, वेलोसिटी पे ये बताइए आप लोग जरा हमको आंसर दीजिए अगर किसी चीज की गति को बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी और किसी चीज की गति को धीमा करेंगे घटाएंगे कि गति ऊर्जा भी क्या होगी घट जाएगी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी घट जाएगी लेकिन जब न्यूमेरिकल टाइप का कह देगा कहेगा कि बताइए यदि किसी कार के गति को हम दो गुना कर दे या गति को चार गुना कर दे गति को कितना गुना करने के लिए कह रहा है चार गुना कह रहा है गति को चार गुना इस फॉर्मूला में से देखिए अगर वो गति को चार गुना करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी बढ़ जाएगी तो चार गुना करेगा तो सीधे सीधे तो चार गुना बढ़ेगा नहीं क्योंकि ससुर यहाँ चार करिएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा वो कह रहा है ना गति को चार गुना करना है तो चार का स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा ये तो आप बता ही सकते हैं गति को यदि चार गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सोलह गुना बढ़ जाएगी अस्सी गुना कैसे हो जाएगा भैया क्या दिमाग लगाता है यार अस्सी गुना कैसे होगा <laughs> ये स्क्वायर है ना चार का स्क्वायर करेंगे तो चार चौको सोलह ना होता है चार चौको क्या होता है सोलह होता है चार चौको सोलह होता है सोलह गुना बढ़ेगा अस्सी गुना कैसे बढ़ेगा हाँ दो गुना करेगा तो चार गुना तीन गुना करेगा तो नौ गुना तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा जब कभी भी गति को दो गुना कितना भी करेगा बस उसका स्क्वायर कर देना है पांच गुना करेगा पच्चीस गुना छह गुना करेगा छत्तीस गुना हो जाएगा आठ गुना करेगा तो चौंसठ गुना हो जाएगा दस गुना करेगा तो सौ गुना हो जाएगा यानी आपको दो चीजें समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा डिपेंड कर रहा था हाइट पर जितना ज्यादा हाइट करेंगे उतने ज्यादा ये बढ़ेगा लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं था इसमें स्क्वायर नहीं था इसलिए अगर कहेगा कि ऊंचाई को दस गुना बढ़ा देंगे तो स्थिति ऊर्जा भी दस गुना ही बढ़ेगी ही को 20 गुना बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा 20 गुना ही बढ़ेगी लेकिन इस ससुरा में स्क्वायर है इसलिए अगर कहेगा पाँच गुना बढ़ेगी तो ये पाँच गुना नहीं बढ़ेगा पाँच का स्क्वायर हो जाएगा पाँच का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा पाँच का स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के लिए गति चाहिए बताइए बहते तो पानी में गतिज ऊर्जा चलती हुई गाड़ी में गतिज ऊर्जा चलते हुए पंखा में गतिज ऊर्जा और पंखा अगर नहीं चल रहा है रुका है तो पंखा अगर रुका है तो केवल उसमें हाइट है और तो कुछ है नहीं रुका हुआ है ठंडी के दिन में सारा पंखा रुका हुआ है तो माथा तूर देगा चलते हुए रुके हुए पंखा में स्थिति पंखा में पोटेंशियल एनर्जी पीई लिख देंगे हम समझ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी लेकिन गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा खींचे हुए धनुष में धनुष को खींचे हैं खींचे हुए धनुष में खींचे हुए धनुष में धनुष में स्थिति ऊर्जा लेकिन जैसे धनुष को छोड़ेंगे तो चलता हुआ तीर में चलते हुए तीर में गति चलते हुए तीर में गति बिना गति के आ ही नहीं सकता है गतिज ऊर्जा बिना गति के आ ही नहीं सकता है गतिज ऊर्जा बिना गति के आ ही नहीं सकता है गतिज ऊर्जा बिना गति के आ ही नहीं सकता याद हो गया गतिज ऊर्जा बिना गति के आ ही नहीं सकता है गतिज ऊर्जा बिना गति के आ नहीं सकता है तो गतिज ऊर्जा समझ में आ गया बहते पानी में गतिज ऊर्जा उड़ते हुए हवाई जहाज में गतिज ऊर्जा चलते हुए उड़ते हुए पक्षियों में हवाई ऊर्जा है गतिज ऊर्जा उड़ते उर्ज हुए हेलीकॉप्टर में गतिज ऊर्जा अब आप कहेंगे कि सर जी आप गड़बड़ कर दिए गड़बड़ कैसे कर दिए तो गड़बड़ ऐसे किए हैं कि एक तो आप बताएं कि उड़ते पक्षी में स्थिति ऊर्जा होती है और दूसरा का आप बता रहे हैं कि उसमें गति ऊर्जा भी होती है, उसमें देखिए अगर कोई अगर जहाज रनवे पे दौड़ रहा है जहाज रनवे पे दौड़ रहा है उसकी हाइट नेगलेजेबल होती है तो रनवे पे जब दौड़ तो रहा है तो उसमें केवल और केवल गति ऊर्जा लेकिन जैसे रनवे से उड़ गया उसके पास हाइट भी आ गया उसके पास हाइट भी आ गया तो उड़ते हुए यदि ऊंचाई पर गति करेगा तो दोनों ऊर्जा बताइए उड़ते हुए हवाई जहाज में केवल गतिज की केवल स्थितिज की दोनों उड़ते हुए हवाई जहाज में तो अब देखिए अगर आपको स्थितिज चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं तो उसमें बस हाइट चेक कर लीजिए कि उसके पास ऊंचाई है या नहीं है तो हवाई जहाज में ऊंचाई भी है तो भैया पोटेंशियल एनर्जी हो गया दूसरा चेक कर लीजिए कि अगर गति कर रहा है तो गतिज भी होगा तो हवाई जहाज में दोनों हवाई जहाज में कभी भी केवल गतिज ऊर्जा जो होती है ऊंचाई पर जाने के बाद केवल ऊंचाई रहेगी तो उसमें गति भी तो चाहिए हेलीकॉप्टर कभी कभी हवा में ही रुक जाता है हेलीकॉप्टर कभी कभी हवा में क्या हो सकता है रुक सकता है हवा में भी हाँ। उड़ते हुए पक्षी में बताइए गतिज की स्थितिज कितने लोग बता सकते उड़ते हुए पक्षी में गतिज या स्थितिज उड़ते हुए पक्षी में गतिज या स्थितिज उड़ते हुए पक्षी में गतिज या स्थिति कितने लोग बता सकते हैं उड़ते हुए पक्षी में गतिज या स्थिति उड़ते हुए पक्षी में दोनों होता है वेरी गुड दोनों होता है तो हम कैसे कहेंगे तो अब आप क्या कहेंगे उड़ते हुए पक्षी या उड़ते हुए हवाई जहाज में गतिज और स्थितिज दोनों होता है तब इस तरह के चीजों से निपटने के लिए इस तरह के चीजों को निपटने के लिए बनाया गया है मैकेनिकल एनर्जी कौन सा मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यांत्रिक ऊर्जा ये जो होती है ये दोनों का कंबाइंड होता है, होती है गतिज ऊर्जा भी गतिज भी होती है और स्थिति भी हो. दोनों होती है मैकेनिकल एनर्जी में दोनों होता तो है जब कभी यांत्रिक ऊर्जा बोलना है जहां सिंगल सिंगल दिखे वहां आपको सिंगल सिंगल बोलना है जहां सिंगल सिंगल दिखे वहां सिंगल सिंगल बोलना है हम आपसे एक सवाल पूछते नदी का बहता हुआ जल नदी का बहता हुआ जल कौन सी आंसर दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप अच्छे से समझ रहे हैं ऊर्जा चैप्टर को ऊर्जा जब खत्म होगा तब हम आपको बताएंगे पावर क्या होता है बताइए नदी के बहते जल में केवल गति जुड़ी क्योंकि पानी तो हाइट से नहीं आ रहा है केवल गति जुड़ी केवल गति जुड़ी नदी के बहते जल में केवल गति जुर्जा नदी के बहते जल में केवल गति जुड़ी तो पानी झरना से गिर रहा है झरना से गिरते पानी में बताइए झरना से गिरते पानी में झरना से गिरते पानी में जो तो पानी जैसे जल प्रपात होता है ऊंचाई हाइट पे, पे होती है तो झरना से गिर रहे है पानी में दोनों हो गया क्योंकि एक तो तो गिर रहा है तो गति है और हाइट है इसलिए हाइट है तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी एम आप बोथ बोलिए या एमई बोलिए अब आपको हम पढ़ा दिए हैं मैकेनिकल एनर्जी एम ई अब आप तो बोथ नहीं बोल सकते हैं वरना बोथर कहलाएंगे बोथ कहेंगे तो बोथर कहलाएंगे कुछ कह रहा है कि झरना में से पोटेंशियल एनर्जी पनिया ऊपर रुकल रहेगा गधा कहीं का नीचे गिरेगा कि नहीं तो हाइट के कारण बोथ या फिर आपको एम ई -E कहेंगे बोथ या एम ई कहेंगे बोथ या एम ई कहेंगे आप आंसर दीजिए हवाई जहाज उड़ते हवाई जहाज़ में उड़ते हुए हवाई जहाज में आंसर फटाफट दीजिए उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सा हो होगा तो उड़ते हवाई जहाज में होगा आपके पास ए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एम ई -E, यानी मैकेनिकल एनर्जी या बोथ कहिए या एम ई बोलिए आप बताइए रुके हुए पंखा में जो सीलिंग फैन जो है ना ठंडी के दिन में किसी के भी छत का पंखा ऐसे नहीं घूमता अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं किसी का छत का पंखा नहीं घूमता तो ठंडी के दिन में सीलिंग फैन जो कि बंद अवस्था में रहता है उसके पास कौन सी एनर्जी उसके पास केवल और अरे गधा रुका हुआ है पंखवा तो उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी रुके हुए पंखा में पोटेंशियल एनर्जी की केवल उसके पास हाइट है अभी उसके पास गति नहीं है पोटेंशियल एनर्जी अभी उसके पास कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी लेकिन चलते हुए पंखा में चलते हुए पंखा में तो दोनों आ जाएगा चलते हुए पंखा में हाइट तो रहता ही है साथ साथ वो घूमने भी रहता है तो चलते हुए पंखा यानी जो मूविंग फैन होता है सीलिंग फैन उसके पास गति और स्थिति बहुत होता है अर्थात मैकेनिकल एनर्जी हो चलते हुए पंखा में मैकेनिकल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है और बताएंगे और सवाल बताएंगे बताइए और सवाल और सवाल क्या बताएंगे सड़क पर चलती हुई बस में 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 हाँ दोनों होगा मैकेनिकल होगा रीजन क्या है कि बस भी तो हाइट पे होती है केवल चक्का ना टच रहता है बोथ होगा दोनों होगा केवल चक्का टच रहता है हम चक्का का थोड़ी पूछ रहे हैं हम तो बस का पूछ रहे हैं तो बस तो चक्का से ऊपर होती है तो उसमें होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और प्लस वो दोनों होती है यांत्रिक होगी उसे क्या कहेंगे यांत्रिक इसीलिए हम यहाँ लिखवाए थे कि मोटर इंजन जो होता है

गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा ये सब ऊर्जा। केवल और केवल अगर जमीन नाव में चलते हुए नाव में तो चलते हुए नाव या पानी वाली जहाज में चलती हुई नाव या पानी वाली जहाज में उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि वो हाइट पे नहीं रहता उसमें केवल और केवल क्या होगा केवल और केवल क्या होगा आपको गतिज ऊर्जा होगी लेकिन वही उड़ने वाला वायुयान हो जाएगा या हवाई जहाज हो जाएगा हवाई जहाज में हाइट भी होती है और गति भी करता है हवाई जहाज में दोनों होगा लेकिन पानी वाली जहाज में आपको केवल और केवल क्या होगा एक होगा एक बात बताइए सांप में भागते हुए सांप में भागते हुए सांप में कौन सा होगा भागते हुए सांप में भागते हुए सांप में भागते हुए सांप में कौन सा जमीन पे ही भागता उड़ता तो है नहीं भागते हुए सांप में होगा आपका गति भागते हुए सांप में होगा गति ऊर्जा गतिज ऊर्जा दौड़ते आदमी में दोनों होगा क्योंकि जब आदमी दौड़ता है ना तो कुछ हाइट पे कूद भागता है ऐसे थोड़े दौड़ता है ऐसे ऐसे भागता है हा? आदमी हाइट पे भी रहता है पैरवा उठाबे करेगा तो दौड़ते हुए आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी दोनों होगी अब कोई गधा ऐसे दौड़ेगा बिना पैर उठा ले तो खाली गतिज ऊर्जा होगा समझ आ गया दौड़ते हुए आदमी में दोनों ऊर्जा दौड़ते हुए आदमी में दोनों ऊर्जा होती आपको ऊर्जा समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल भी बना सकते काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं बना सकते हैं क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन बना सकते हैं तो बोलिए है, देखिए तो 800 सौ के जी के कार का कार की चाल साठ मीटर प्रति सेकंड है तो कार की गतिज ऊर्जा कार की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप नुमेरिकल भी निकाल सकते हैं आप इसका नुमेरिकल भी चाहे तो निकाल सकते हैं मेरिकल भी निकाल सकते हैं आंसर बता सकते हैं चौदह तो हजार चार सौ किसी का चौबीस हजार किसी का छियानवे सौ आंसर निकालिए क्या कर रहे हैं आप लोग हाफ एम भी स्क्वायर के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर इसमें भी अगर गलती करेंगे हाफ के जगह होगा हाफ कितना इसका मास दिया हुआ है आठ सौ पाँच दिया आठ सौ भी कितना है साठ है क्या है साठ है तो साठ का स्क्वायर करेंगे तो साठ गुड़े साठ ऐसे लिखिए क्या जरूरत है गुड़ा करने की साठ गुड़े साठ साठ गुड़े साठ किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस ससुरा को काटिए अस्थिर रहेगा चार सौ होगा नहीं छोट होगा चार सौ हो जाए अब ध्यान दीजिए चार सौ गुड़े छ साठ गुड़े साठ टोटल जीरो को एक साइड कर लीजिए एक दो तीन चार चार जीरो साइड में लिख दीजिए एक दो तीन चार चार अब बाकी अंकों को गुड़ा कर दीजिए छः का छत्तीस छत्तीस में फिर चार का गुड़ा करेंगे छ चौको चौबीस हाथ में दो छे दुनी तीन बारह दो चौदह बहुत ज्यादा हो गया जी बहुत ज्यादा हो गया इतना इसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा पूरा भाग में थोड़ा देख लीजिएगा गड़बड़ी ना हो बाकी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना आ गया काइनेटिक एनर्जी निकालना आ गया ये एकदम बेसिक चीज है अभी धीरे धीरे इसको टॉप होते जाएगा आपको समझ में आते रहेगा आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं आगे अब आपको पावर बताएंगे फिर तीनों में रिलेशन बताएंगे तीनों में रिलेशन जब रिलेशन पता चल जाएगा तो फिर आपको संवेग और आवेग पढ़ना पड़ेगा संवेग और आवेग जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रॉकेट संवेग संरक्षण पे कि न्यूटन के तीसरा नियम पे आवेग और संवेग में अंतर आज के लिए इतना ही रहन देते हैं जय हिंद आज अगला क्लास हम लोग कल करेंगे